नमस्कार, स्वागत है आपका। हरियाणा का हाल लेकर एक बार फिर हम हाजिर हैं। पीटीसी न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ धर्म प्रकाश। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र 2 मार्च से यानी कल से शुरू होने जा रहा है। 8 मार्च को हरियाणा का बजट पेश किया जाएगा और इससे पहले चंडीगढ़ में बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक हुई है जिसमें बजट सत्र को लेकर चर्चा की गई है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बार बजट सत्र में 10 सिटिंग होगी और 8 मार्च को सीएम खुद बजट पेश करेंगे। इस बार बजट पर चर्चा करने के लिए एडहॉक कमेटी गठित की जाएगी जो पेश किए गए बजट पर चर्चा करेगी और फिर अपने सुझाव विधानसभा अध्यक्ष के सामने रखेगी। सीएम ने कहा कि इस बार बजट सत्र के लिए पर्याप्त समय दिया गया है और तमाम विधायकों और मंत्रियों से लिखित में सुझाव लिए गए हैं जिसके बाद बजट तैयार किया गया है। इस बैठक में इसके अलावा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता और कंवरपाल गुज्जर भी मौजूद रहे और बजट सत्र की अवधि को लेकर भी खासतौर से मंथन इस बैठक में किया गया है। देखिए मित्रों, बजट आराम से बजट सेशन को प्रारंभ करने की तिथि जैसा हमको पहले से पता है, अनाउंस किया था कि 2 मार्च से बजट सेशन शुरू होगा, राज्यपाल महोदय का अभिभाषण होगा और बाकी सारा कार्यक्रम बीएससी बिजनेस एडवाइजरी कमेटी ने रिकमेंड किया है और वो सेशन के सामने रखा जाएगा और उसमें रिकमेंडेशन में 2, 3 और 4 उसके बाद 7 ये राज्यपाल अभिभाषण के ऊपर चर्चा और धन्यवाद प्रस्ताव पारित होगा। 8 तारीख को सुबह बजट के जो एस्टिमेट्स हैं वो प्रस्तुत किए जाएंगे और इसके बाद 14 तारीख तक अर्थात 9, 10, 11, 12, 13 ये 5 दिन कमेटियों के लिए कुछ कमेटीज़ बनाई गई हैं, एडॉक कमेटीज़, जो इस बजट के ऊपर सेक्टर वाइज चर्चा करेंगे और अपने कुछ सुझाव देंगे। ये पहली बार इस प्रकार का एक कार्यक्रम बनाया गया है। वैसे पार्लियामेंट में ये होता है, विधानसभा में पहली बार इस प्रयोग को कर रहे हैं ताकि सभी विधायक किसी न किसी कमेटी में बैठ करके अपने अपने सेक्टर के हिसाब से वो अपने कुछ सुझाव देंगे, उन सुझाव के ऊपर ही विधानसभा में रखे जाएंगे, चर्चा होगी, जो सुझाव मानने लायक होगा जरूर उसमें माना जाएगा।